साथियों नमस्कार। जैसी डिजाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसी ही डिजाइन हम कैसे तैयार करें कोरल ड्रा में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें आना है टूल बॉक्स के। जैसे हम लोग टूल बॉक्स में देखें तो सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है फ्री हैंड। फ्री हैंड टूल के अंदर आप देखें तो एक आपको टूल मिलता है पेन टूल। पेन टूल पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद पहले हम इस पेज के जूम को बड़ा कर लें। जूम को बड़ा करने के लिए माउस में स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बटन होती है, उसको आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जूम बड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जहां से लेकर जहां तक, जैसे हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक हमको बनाना है तो हमने यहां से यहां तक लाइन खींच दी। अब इस लाइन को क्लिक करके इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कुछ ऐसे घुमा के। जब हम ऐसे घुमा के क्लिक करेंगे तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आपस में लाके मिला देंगे। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, इस पे लाके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला दिया। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, अगेन समझ लेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। पेन टूल में आके यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन को हमें इस तरीके से घुमा के, इस तरीके से घुमा के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को लाके आपस में मिला देना है। तो देखिए यह डिजाइन कुछ इस तरीके से तैयार हो गई। अब अगला काम में क्या करना है, सेव टूल लेना है टूल बॉक्स से और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रॉ कर लेना। थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और फिर इस तरफ अंदर की तरफ आप देखें, अंदर की तरफ आप देखें तो इसको हम अंदर इस तरीके से हल्का हल्का एडजस्ट करते हैं। इसको हम पहले प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग सेट करें जैसा हमको अच्छा लगे। तो हम इसको अंदर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की डिजाइन बन गई है। यहां पे हमें क्या करना है, इसको जितना आप पतला करना चाहें या बड़ा करना चाहें, साइज जो भी आप एडजस्ट करना चाहें वो साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसकी साइज को छोटा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करके ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको लाके हम यहाँ पे रख लेते हैं और कंट्रोल के साथ, सॉरी माउस की लेफ्ट बटन क्लिक कर ड्रैग करके इसको जहां पे लाके छोड़ना चाहते हैं, जितनी बड़ी आप पत्ती बनाना चाहते हैं उस पे राइट क्लिक करके छोड़ दें। फिर आप कंट्रोल आर प्रेस करें, जितनी पत्ती आप 3, 4, 5 आप जितनी बनाना चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट करें। तो अब हम क्या करते हैं, अब इन पे अलग अलग कलर फिल करते हैं। तो कलर फिल का एक ऑप्शन तो ये है कि यहां से आप जो भी कलर चाहे लेफ्ट और राइट क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा फिल ऑप्शन से चल के यहां पे भी आपको दो या दो से अधिक कलर फिल करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जैसा कलर चाहें। या यहाँ पे कुछ बने बनाए कलर्स होते हैं आप उनको भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जो कलर चाहेंगे वो कलर आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे हम टू कलर जैसे मिक्स करना चाहते हैं तो टू कलर भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो हमने ये मिक्स कर लिया, अब हम ओके करते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ इस तरीके का फिल हुआ। नेक्स्ट वाले में आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं अगेन आप यहां से चल के, कौन सा टूल है, फिल टूल। फिल टूल में आप देखें तो आपको फाउंटेन फिल मिलेगा, फाउंटेन फिल। तो फाउंटेन फिल में आप टू कलर कर लें, यहां पे आप जो कलर करना चाहें वो कलर को आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर येलो सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमने इसको ओके कर दिया तो ये यहाँ पे फिल हो गया। फिर उसके बाद जो है अब हम दूसरा अगला करते हैं। फिर से यहाँ पे हम चलते हैं फाउंटेन फिल पे। फाउंटेन फिल पे चल के यहाँ पे हम अगला कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, तो हमने इस कलर को लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा कलर हमने ले लिया। अब हम फिर ओके करते हैं, इस पे भी हमने कलर फिल कर दिया और फिर अगले वाले पे भी चल के इसी तरीके से हम कलर को फिल करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी टू कलर किया। इस तरीके से हम सब पे एक एक कलर कर लेंगे और एक एक कलर करके इसको और अधिक आकर्षक बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया, कोई अच्छा सा कलर देख ले। तो ये सेट करके हमने ओके कर दिया। अब इसमें जितने भी आउटलाइन है सभी आउटलाइन को हम हटाते हैं। तो आउटलाइन को हटाने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, ये कलर पैलेट में देखिए ये नो कलर है, इस पे राइट क्लिक कर दीजिए। तो अगले वाले पे आइए, राइट क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से सभी का आउटलाइन आप हटा सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, सबका आउटलाइन हटा दिया। आउटलाइन हटाने के बाद अब हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसकी साइज को या जो भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया या छोटा कर लिया, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं यहां पे, थोड़ा थोड़ा इसको और पास ला ले,
थोड़ा थोड़ा, ये हमने पास कर लिया, इसको भी हम थोड़ा सा और पास में लेते हैं। इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बटन बन जाएगी, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना पास करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा पास कर लिया। अब फिर उसके बाद ये तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। तो ग्रुप करने के लिए हम चलते हैं अरेंज में, अरेंज में आपको ग्रुप मिल जाएगा, या कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल जी होती है उसको आप प्रेस कर लें। अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लिया, जैसा आप घुमाना चाहें। घुमाने के बाद फिर अब हम क्या करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट तैयार करते हैं। डुप्लीकेट कैसे तैयार होगा, डुप्लीकेट तैयार करने के लिए एडिट में चल के डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसका एक और डुप्लीकेट तैयार हो गया, ये देख लीजिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस डुप्लीकेट को यहां से प्रॉपर्टी बार में देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिरर बटन, मिरर बटन पे क्लिक करें तो ये अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको अपोजिट कर लिया। तो अब हम इन दोनों को घुमा के थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लगे कि जुड़े हुए हैं। तो अब हम इनको रोटेट कर लिया, रोटेट करने के बाद थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद हम इनको एक दूसरे के पास ऐसे इस तरीके से लाके एडजस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इनको एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करने के बाद अगला काम में क्या करना है, यहाँ पे हम एक अलग से डिजाइन तैयार करते हैं। तो डिजाइन के लिए हम रिक्टेंगल टूल लेते हैं और रिक्टेंगल को यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। रिक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद अब हम चलते हैं शेप टूल लेते हैं और इस रिक्टेंगल पे क्लिक कर देते हैं, तो जिससे रिक्टेंगल सेलेक्ट हो जाता है। अब प्रॉपर्टी बार में आप देखें तो ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। या आप चले आए अरेंज मेनू में, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन मिल जाएगा, या कंट्रोल की क्यू प्रेस कर दें। तो अब हमें क्या करना है, ये जो बटन है इस बटन पे दो बार क्लिक कर देना है, सॉरी इस बटन पे एक बार सिंगल क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टी बार में आके कन्वर्ट लाइन टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस बटन पे दो बार क्लिक करना है, अगेन फिर से हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करके कन्वर्ट लाइन टू कर्व करके इस पे दो बार क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरीके का एक शेप बन जाएगा। तो अब हम इस शेप को क्या करते हैं, इस शेप को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं सीधा कुछ ऐसा। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जितना पतला मोटा या जैसा भी आप एडजस्ट करना चाहें, इसको हमने कर लिया। करने के बाद हम इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हैं, और इसकी साइज को भी हमने मैनेज कर लिया। अब यहाँ पे हम लाके ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हम तैयार कर रहे हैं इसके बीचों बीच में यहाँ पे लाके इस तरीके से रख देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे जिससे ये अच्छा देखने में लगने लगे। तो इसको हम थोड़ा और बाहर कर लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ भी इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो नीचे की साइज हमने इस तरीके से बढ़ा दी, तो ये बढ़ गया। अब हम इसको अंदर दबाना चाहें तो अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे सेट कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये सेट हो चुका है। अब अगला काम क्या करना है, हमें इस पे कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे कोई भी कलर, जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्लिक करके फिल कर दें। तो जैसे हम यहाँ पे ग्रीन फिल कर दें थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हमने ये ग्रीन कर दिया। अब उसके बाद इसके अंदर एक और हम बॉक्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बटन दिख रही है इस पे क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके, ये जो बटन दिख रही है इस बटन पे क्लिक करके दो बार क्लिक करें, सॉरी पहले सबसे पहले टूल बॉक्स में शेप टूल लें और इस बटन पे क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके आप इसको कहीं पे लाके एडजस्ट कर लीजिए, या आप यहीं भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कंट्रोल डी की को प्रेस करें तो इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। अब हम इसकी साइज को और छोटा कर लें जितना आप छोटा करना चाहें, तो हमने इसकी साइज को छोटा कर लिया और छोटा करके यहाँ बीचों बीच इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो ये हमने कलर चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम एक और तैयार करते हैं इस छोटे वाले का डुप्लीकेट। तो अब हमने क्या किया, सेव टूल लेके कंट्रोल डी प्रेस किया, एक और तैयार हुआ। तो अब हम इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, और फिर इसको हम बीचों बीच एडजस्ट करके इस पे व्हाइट कलर को फिल कर देते हैं। तो जब आप इनसाइड और आउटसाइड व्हाइट कलर को फिल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। तो हमने इस पे व्हाइट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आप कलर चाहें, आप कोई और कलर चाहते हैं तो वो भी कलर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मान लीजिए रेड फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर लें,
और सिलेक्ट करके कंट्रोल जी की को प्रेस कर दें, जिससे ये पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा। पूरा हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस किया, जिससे ये ग्रुप हो गया। अब हम इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। और अब हम अगर बात करें कि इसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, हम यहाँ पे सेव टूल लेते हैं और फिर यहाँ पे घुमा के इसको नीचे की तरफ भी सेम उसी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ऊपर ये बटन पे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके, ड्रैग करके और राइट का माउस का राइट बटन क्लिक करके छोड़ देना है, तो सेम एज इट इज कॉपी बन जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए इसमें से ये पीछे यहाँ पे हमें कोई गोला लगाना है, तो हम यहाँ पे एक गोल, इस तरीके से एक गोल बना देते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे बीचों बीच एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप जो भी कलर यहाँ पे फिल करना चाहें उस कलर को आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद अब ये जो है एक फ्लावर बन के तैयार हो गया है, और इस फ्लावर में आप जो भी डिजाइन करना चाहें या जो भी आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, आपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करके इसको ग्रुप करें और ये बॉर्डर आपका बन के तैयार हो गया, ये डिजाइन फुल बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।